नहीं लैसी जी, हम नहीं समझ रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आता है कि आपको ये टाइम पास करके मिलता क्या है। किसी इंसान को भ्रमित करने की भी एक हद होती है जो कि आप हमेशा पार कर जाती हैं लैसी जी। गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है ऐसे करना। आप भी बड़ी अजीब है। हम आपको वहां पे बचाने की कोशिश कर रहे थे और आप खुद स्वयं कुल्हाड़ी पे पैर रख के उस पे कूद रही हैं। ने बाहर तक गए। मेरे सोते अरे जीजा जी का नमक खाया अंकल जी का। अरे जीजा जी मेरे और अंकल जी का। अरे गोल गप्पा। अरे अंकल जी का नमक। अरे अंकल जी का नमक खिलाया था। इलायची सुनीता इलायची चुप कर तू चुप कर तू चुप चुप कर। कोई दुख दर्द नहीं है। वो उन्होंने एक तो हम उन्होंने मुझे बताया कि गहने चोरी हो गए हैं और वो गहने कुछ जो है लेके निकली थी पहन के एक दिन शादी के लिए और वही गहने जो पहन के निकले थे वो चोरी हो गए। तो बाद में आके मुझे बताया कि वही गहने चोरी हो गए। तो मैं ऑब्वियसली मैंने कहा कि ठीक है अब आपकी मदद तो करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ये बताया कि हमने कहा कि चलो वो चोर को ढूंढना पड़ेगा कि 25 लाख के गहने हैं। तो फिर हमने उन्हें बोला ठीक है। तो सुनीता जी जो हैं उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी कि उनके खबरी ने बताया कि जो गहने हैं वो जो चोर है वो गोलगप्पे वाले के पास आने वाला है बहुत जल्द, मतलब दोपहर का कुछ समय है। तो हम उस टाइम पे एग्जैक्टली पहुंच गए और उस चोर को ढूंढ ही रहे हैं। इतने में पीछे से इलायची जी आती हैं और नॉर्मल एज़ यूजुअल अपनी मस्ती करने लग जाती हैं, क्योंकि उससे पहले सीन में हमने उन्हें बचाने की कोशिश की लेकिन इलायची जी सेठ जी के सामने कह रही है नहीं नहीं आप जाके तिजोरी चेक कर सकते हैं वहाँ पे गहने पड़े हुए हैं। और हम कह रहे हैं कि आप क्यों ऐसा बोल रही हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसा बताया जो तिजोरी है वो मतलब इलायची जी का तो हमेशा कोई ना कोई प्लान रहता ही है। तो वही समझ में नहीं आ रहा। अभी तो हम बस उस चेयर को चोर को ढूंढ रहे हैं और बस गोलगप्पे वाले के पास आने वाला है वो, पता नहीं अब कब आएगा, हम तो वेट ही कर रहे हैं। आई लव यू पता नहीं अभी वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। एक बारी तो शायद पंचम ने ट्रुथ सीरम के नशे में आके बोल दिया आई लव यू, लेकिन बाद में वो बेचारा शायद पता नहीं क्या करेगा। बट हाँ शायद देखो क्या होता है पता चलेगा, वो तो हमें भी नहीं पता।